देखिए भाई लोग, ये चेम्बर है, ठीक है। ये बैरिंग जो है, इसमें बैरिंग जब धुलाता है, अगर बैरिंग गड़बड़ रहेगी तो बदल दीजिएगा लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो बैरिंग है, धुलने के बाद बढ़िया साफ करने के बाद इसमें ऑयल डाला जाता है, ठीक है। ऑयल डालने के बाद जब फ्री हो जाए, एकदम फ्री हो गया, देखिए, चलिए ठीक है, ठीक है। ये देखिए, इसको बोला जाता है न्यूट्रल पत्ती, ठीक है। इसको यहाँ पर लगाएंगे हम लोग तभी न्यूट्रल बताएगी, ठीक है। अगर ये पत्ती गड़बड़ हो जाएगी तो नहीं बता सकती न्यूट्रल। और इसको ऐसे लगाकर हम लोग लाख कर देंगे, ठीक। लाख हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए दोनों गियर है, इस तरह लगाने के बाद, ठीक। फिर जो फार्क है, ये न्यूट्रल वाली पत्ती जो है नीचे इसे रहेगी, ठीक है। इस तरह लगाने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद, ये देखिए कंप्लीट हो गया। फिर इसको ऐसे बैठाना है, ठीक है। देखिए बैठाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये गियर देखिए, कंप्लीट हो गया, बैठ गया गियर, ठीक है। काम कर रहा है पूरा बढ़िया से, गियर काम कर रहा है, ठीक। अब ये देखिए करेंक है, इसको करेंक बोला जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग बैठाएंगे, देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। करेंट भी बैठ गया, ये देखो रेसी बॉन्ड बोला जाता है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। पैकिंग लीकेज नहीं होती है, ये पोतने जा रहा हूँ। कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद एक पैकिंग लगेगी, इस पैकिंग को लगाया जाता है, ठीक। यहाँ से तोड़ा जाता है, यहाँ से तोड़ा जाता है, फिर इस पैकिंग को इस तरह बैठाया जाएगा, ठीक। देखिए दूसरा चेंबर है, ठीक है। इसमें बॉन्ड लगा गया है, बैठाएंगे, ठीक। इसको ऐसे लेकर, इसको ऐसे करके, ठीक। अब इसको ऐसे लेकर हम बैठाएंगे,
गियर चेंजर बोल्ट है, देखिए ठीक है, यहाँ पे लगेगा इसको।